तो जब हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब लीवर की बीमारियों का एक गढ़ है। इसमें पेट में पानी आना, पीलिया होना, लीवर में कैंसर होना, खून की उल्टी होना, ये सब लीवर सिरोसिस के सिम्टम होते हैं। लीवर एक सिंगल ऑर्गन होता है और इसका कुछ हिस्सा अगर हम काट लिया जाए या ले लिया जाए तो बाकी का हिस्सा जो बचता है वो रीग्रो कर जाता है। okay. जैसे कि एग्जांपल दूं मैं सिंपलीफाई वे में, जैसे छिपकली की पूंछ होती है, उस तरह से ये रीग्रो कर जाता है और पूरा लीवर फिर से बन जाएगा। फुल पॉपुलेशन में लोगों ने स्टडी करी है फैटी लीवर डिजीज की, इसमें भी कम से कम 20% बच्चे हमारे स्कूलों में हैं जिनको फैटी लीवर डिजीज 15 से कम उम्र में शुरू हो चुका है। तो ये जो अगले 15 सालों में इनके लीवर के साथ क्या होगा, ये एक चिंता का विषय है डॉक्टर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, पूरी पॉपुलेशन के लिए। तो आज जब हम 2024 में लीवर के बारे में बात करते हैं जी। और लीवर ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो लीवर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसकी अवेयरनेस हर रोज़ बढ़ रही है और हर इंसान को, मरीज को और जनरल पॉपुलेशन को भी पता होना चाहिए कि ये एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है एडवांस लीवर सिरोटिक पेशेंट्स के लिए। ओके। आपको चलने फिरने में दिक्कत महसूस होती है, हर समय बॉडी में वीकनेस लगती है, कुछ भी खाने पर वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, इतना ही नहीं कभी कभी तो सारा सारा दिन भूख भी नहीं लगती, तो ऐसे में ये किसी भी बीमारी के संकेत हो सकते हैं। दरअसल 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे होता है जो लोगों को लीवर के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। वहीं अगर हम आज लाइफस्टाइल की बात करें तो हर इंसान को लीवर से जुड़ी कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। तो लीवर से जुड़ी बहुत सी जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जालंधर के पटेल हॉस्पिटल के लीवर एंड हेपेटोलॉजी एक्सपर्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर वरुण गुप्ता। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच कपिला, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। डॉक्टर साहब जैसे कि हम देख ही रहे हैं लीवर एक हमारी बॉडी में बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और आजकल फैटी लीवर की भी जो प्रॉब्लम है डे बाय डे यंगस्टर्स में भी देखी जा रही है, तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि लीवर जो है हमारी बॉडी में एक तो सबसे पहले कि किस तरीके से काम करता है। लीवर आपकी बॉडी में एक बहुत ही ज़रूरी ऑर्गन है, एक वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन है जो आपके राइट साइड अपर एब्डोमेन में लीवर ऑर्गन होता जी। है। लीवर के बहुत सारे फंक्शन हैं जी। मेडिकली वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, एक तरह से ये प्रोटीन फैक्ट्री होती है जिसमें एल्ब्यूमिन का प्रोडक्शन होता है, इसमें बाइल एसिड्स बनते हैं, बाइल पेट में आके लीवर के फूड जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो लीवर एक बहुत ही वास्ट ऑर्गन है जिसके बहुत सारे बॉडी को चलाने के लिए इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं उसी तरह। बट लीवर की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है बॉडी का और बहुत ही इंटेलिजेंट ऑर्गन है बॉडी का। अगर आपके दर्शकों को मैं सबसे पहले बताऊं लीवर के बारे में तो ये लीवर एक इकलौता ऑर्गन है बॉडी का जिसको हम कुछ हिस्सा इसका ले लिया जाए जी। लीवर एक सिंगल ऑर्गन होता है और इसका कुछ हिस्सा अगर हम काट लिया जाए या ले लिया जाए तो बाकी का हिस्सा जो बचता है वो रीग्रो कर जाता है। okay. जैसे कि एग्जांपल दूं मैं सिंपलीफाई वे में, जैसे छिपकली की पूंछ होती है, उस तरह से ये रीग्रो कर जाता है और पूरा लीवर फिर से बन जाएगा, मतलब एज इट इज वही शेप ले लेता है। हाँ, शेप थोड़ी चेंज हो सकती है बट उसका वॉल्यूम उतना ही बन जाता है। okay. तो ये जो कैपेबिलिटी है हमारी बॉडी में वो किसी और ऑर्गन में नहीं है, वो चीज किडनी में नहीं है, वो चीज़ हार्ट में नहीं है, वो चीज़ लंग में नहीं है, वो चीज़ स्टमक में नहीं है, वो तिल्ली में नहीं है, ओवरीज में नहीं है, किसी में भी नहीं है, ब्रेन में नहीं है, बट ये सिर्फ लीवर में है। तो लीवर बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑर्गन है और बहुत ही स्ट्रांग ऑर्गन है और लीवर बहुत जल्दी आपकी बॉडी का ख़राब नहीं होता जब तक हम उसको परसिस्टेंटली कुछ सालों तक लगातार खराब करते रहें, तब जाके वो आपको तंग करना शुरू करता है। बहुत बार कहा जाता है कि जैसे किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, बट अगर हम यहाँ लीवर की बात करें तो उसका क्या रिलेशन है आपस में? देखो, लीवर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करता है। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें हमारे स्टमक, इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स आते हैं और जो एक ट्यूबल स्ट्रक्चर है और एक लीवर होता है जो ट्यूब्स के बाहर होता है पेट में जो उससे कनेक्टेड होता है। तो जो भी चीज़ें डाइजेशन के लिए ज़रूरी होती हैं जैसे बाइल एसिड्स, कुछ और एंजाइम्स, एल्बुमिन, वो सब लीवर और गॉल ब्लैडर में से बनके पेट में पहुंचते हैं और जो भी हम खाना खाते हैं जी वो खाने को डाइजेशन करने में, उसको चर्न करने में, उसकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू बॉडी में
अब्सॉर्ब करने में लीवर, पैनक्रियास, इंटेस्टाइन सारे मिलके काम करते हैं। जी, यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, फैटी लीवर। बहुत सारे लोग तो ये समझते हैं कि फैट को ही फैटी कह दिया है। हाँ। तो ये जो टर्म है एक्चुअल में, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या है प्रॉपर। अगर मैं शुरू करूं तो लीवर की बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनके बारे में हमें पता चलना होना चाहिए। बट आज की डेट में हम जब 2024 में बात कर रहे हैं लीवर की बीमारियों को, तो सबसे ऊपर जो बीमारी जो हम सबको कंसर्न करती है वो है फैटी लीवर डिजीज। फैटी लीवर डिजीज क्यों कंसर्न करती है? क्योंकि बहुत सारा डाटा अवेलेबल है इंडिया से और पूरे वर्ल्ड से, जिसमें हमने पॉपुलेशन स्टडीज करी हैं और ये पता किया है कि कितनी पॉपुलेशन को ये फैटी लीवर की दिक्कत आती है। तो जो हमारे इंडियन डाटा है उसके हिसाब से कम 30% ऑफ द पॉपुलेशन हमारी आज की डेट में फैटी लीवर की बीमारी से, मतलब ओनली इन इंडिया। ओनली इन इंडिया, तो जस्ट सोचो कि इतना बड़ा कंट्री है जिसमें हम 140 करोड़ लोग बोलते हैं। बिल्कुल। इसमें बच्चे भी हैं, एल्डरली भी हैं, मिडिल एज लोग भी हैं, मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं। 30% ऑफ दिस पॉपुलेशन को फैटी लीवर डिजीज है। बट हर फैटी लीवर डिजीज को हमको कैटेगराइज करना पड़ता है, समझना होता है कि वो कौन से लेवल पे है। मतलब ये हर एक एज ग्रुप के अकॉर्डिंग नहीं, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग नहीं, हमें देखना पड़ता है कि सपोज दो लोग हैं, दोनों को फैटी लीवर डिजीज है, तो उसमें हमें कुछ और टेस्ट्स और स्टडीज करके ये देखना है कि वो कौन सी स्टेज ऑफ फैटी लीवर पे हैं। जी। अगर वो शुरू की स्टेजों में है 1-2, तो उनके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके, उनकी डाइट को इम्प्रूव करके, उनको एक्सरसाइज करा के, उनके न्यूट्रिशन वैल्यू को ठीक करके वो हम रिकवर कर सकते हैं। बट वो अगर उस टाइम पे हम इंटरवीन नहीं करेंगे और उनको सही गाइडेंस नहीं देंगे, तो अगले कुछ सालों में, कुछ सालों मतलब 3, 5 और 6 सालों में वो लीवर प्रोग्रेस होके एक हार्ड लीवर बन जाएगा, जिसको कहते हैं फाइब्रोसिस या सिरोसिस। ओके। जो कि दिक्कत करेगा आगे जाके, और ये ही लोग हैं जिनमें मल्टीपल प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे जब लीवर फंक्शनिंग वीक हो जाएगी और लीवर सिरोसिस हो जाएगा, तो ये लोग हाई रिस्क लोग हैं। तो मतलब आपको 30% ऑफ द पॉपुलेशन को स्क्रीन करना है, उनको जल्दी इंटरवीन करना है और जल्दी इन लोगों को प्रिवेंट करना है ताकि ये प्रोग्रेस ना हो फर्दर एडवांस लीवर डिजीज में। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में कितने इसके नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं? तो जब हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब लीवर की बीमारियों का एक गढ़ है। मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि लीवर की बीमारियां किस किस की वजह से मेन हो सकती है। जैसे हमने डिस्कस किया, नंबर 1 पे फैटी लीवर डिजीज लीवर की सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली बीमारी है, जो कि हर घर में चैलेंज के साथ किसी ना किसी को ज़रूर है। जब लीवर की बात आती है तो सबके मन में आता है अल्कोहल। जी। उसको कहते हैं अल्कोहलिक लीवर डिजीज़। ये भी पंजाब में अल्कोहलिक मेल्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अल्कोहल की कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, प्लस जो पंजाबी जीन्स हैं वो इस तरह के, जिनको अल्कोहल अब्जॉर्ब ज़्यादा अच्छे से नहीं होता है। जी। तो अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ नंबर 2 पे बहुत ही कॉमन लीवर की प्रॉब्लम का कारण है पंजाब में। ओके। तो नंबर 1 फैटी लीवर डिजीज़, नंबर 2 अल्कोहलिक लीवर डिजीज़, फिर नंबर 3 पे आते हैं आपके वायरल हेपेटाइटिस। जी। जिसमें 2 हेपेटाइटिस कॉमन है, जैसे हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी, जिसको पंजाबी में काला पीलिया भी बोला जाता है। और हेपेटाइटिस सी की मात्रा भी हमारे यूथ, यंग यूथ पंजाबियों में बहुत कॉमन है, जिसका सबसे मेजर रीज़न रहा है इंट्रावीनस ड्रग अब्यूज, जिसको पंजाब में चिट्टा भी कहा जाता है, जिसका पिछले कुछ दशकों में, लास्ट डेकेड में बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुआ है, जिसकी वजह से लोगों ने नीडल्स सिरिंजेस शेयर करी हैं आपस में दोस्तों ने, पिंडों में, गलियों में, बस्तियों में, मोहल्लों में, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस सी वायरस इतना ज्यादा नीडल शेयरिंग की वजह से फैला है, जिसका जो लीवर को अननोइंगली, इसको अगर हम जो टर्म है हेपेटाइटिस सी, इसको हम समझें तो आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं? ये एक तरह का वायरस है। जी। हेपेटाइटिस सी एक वायरस है, जैसे मल्टीपल हमारे वायरसेस होते हैं, जैसे HIV वायरस है जिसके बारे में हमें पता है, कोरोना भी एक वायरस था, इन्फ्लुएंजा वायरस थे, तो ये भी एक वायरस ही है जैसे। और ये जो वायरस है ये एक इंसान से दूसरे इंसान में उन्हीं जरियों से फैलता है जिससे हमारे बाकी HIV और हेपेटाइटिस बी फैलते हैं, जैसे कि इंजेक्शन, ब्लड एक्सचेंज, गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन, गलत इंजेक्शन लग जाना,
कोई गलत स्टिक नीडल स्टिक लग जानी, अनप्रोटेक्टेड किसी इन्फेक्टेड बंदे के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स होना, या फिर मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग मदर को है तो उसके चांसेस होते हैं, बट कुछ चांसेस उसमें भी होते हैं। अच्छा, तो ये वायरस इस तरह से फैलता है। बट जो हमने देखा है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ये जो वायरस पंजाब में फैल रहा था जी, इसका कारण था जो हम नीडल शेयर कर रहे थे, इंजेक्शन ड्रग यूजर्स यंग लोग आपस में, तो ये शेयर करते हैं, हेपेटाइटिस सी वायरस आ जाता है। बट दिक्कत ये है कि कोई सिम्टम नहीं आते, मतलब पता ही नहीं चलता है, पता ही नहीं चलता जब तक आप टेस्ट नहीं कराते। okay. जब आप टेस्ट कराते हैं तो आप देखते हैं कि आपके लीवर टेस्ट खराब आ रहे हैं, SGOT SGPT जिसे हम कहते हैं लीवर के टेस्टों में, ये ज्यादा आ रहे हैं। नहीं, एक आम इंसान को कैसे पता लगेगा कि मुझे हेपेटाइटिस सी की प्रॉब्लम हो गई है? वीकनेस आनी, थोड़ा राइट साइड पेन होना, थकावट होनी, बट वो भी तब कि जब लीवर थोड़ा सा एडवांस स्टेज पे वायरस की वजह से वीक हो गया जी। तभी दुनिया में या वर्ल्ड WHO बोलते हैं, जो जो लीवर की सोसाइटीज हैं हमारी, वर्ल्ड लीवर सोसाइटीज, ASLD, EASL, यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ स्टडी ऑफ लीवर डिजीज, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टडी ऑफ लीवर डिजीज, इंडियन नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्टडी ऑफ लीवर डिजीज, इन सब सोसाइटीज हर साल वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे बनाती हैं। ओके। सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम अपने यूथ को, लोगों को जो हाई रिस्क हैं, हाई रिस्क जिन्होंने कभी ना कभी गलत इंजेक्शन लगवाए हैं, जो मेडिकल वर्कर्स हैं जो इन मरीजों के साथ काम करते हैं, वो रेगुलर अपने ब्लड चेकअप कराएं, ताकि हमें इस वायरस का जल्दी पता चल सके और हम उसको वायरस को वहीं पे ख़त्म करके फर्दर लीवर को खराब होने से बचा सके। डॉक्टर साहब, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कन्फ्यूज हो जाते हैं लीवर को लेके और हेपेटाइटिस सी और बी को लेके, तो ये तीनों जो टर्म्स हैं सेम ही हैं या कुछ मतलब डिफरेंस भी है इनमें? हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी दोनों डिफरेंट वायरस हैं जी। ठीक है, मतलब लीवर के साथ लोग उसको कंसर्न करते हैं कि मुझे लीवर की प्रॉब्लम हो गई है, कोई जैसे चेकअप कराया, डॉक्टर कहते हैं नहीं आपको हेपेटाइटिस सी है, बट वो समझ ही नहीं पाते उस चीज को। तो जो हेपेटाइटिस बी और सी वायरस हैं, ये बेसिकली आपके लीवर को ही डैमेज करते हैं। Okay. ये जो दोनों हेपेटाइटिस बी और सी वायरस हैं, ये पर्टिकुलरली सिर्फ लीवर को ही खराब करेंगे, लीवर को धीरे 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 वीक करके लीवर को सिरोसिस करेंगे, और कुछ मरीजों में कुछ सालों के बाद पहली प्रेजेंटेशन होगी लीवर कैंसर। मतलब लीवर सिरोसिस के बाद लीवर कैंसर की शुरुआत हो जाती है। तो हमारे दर्शकों को लीवर सिरोसिस के बारे में भी आप थोड़ा बताएं। लीवर सिरोसिस तब बोला जाता है जब लीवर एक ऐसी स्टेज पे डैमेज हो जाता है जब वो अपनी नॉर्मल शेप में नहीं आ पाएगा कभी भी। ओके। तो कोई भी कारण है, जैसे फैटी लीवर डिजीज है, एल्कोहलिक लीवर डिजीज है, शराब से लीवर खराब हो रहा है, या हेपेटाइटिस बी और सी है, दो वायरस जो लीवर को खराब करते हैं हमारी पॉपुलेशन में, जिसकी इंडिया में काफी नंबर है। जब हम हेपेटाइटिस बी और सी आपको बता रहे हैं, तो ये हमारे को हम रोज ऐसे पेशेंट देख रहे हैं जो हमारी पॉपुलेशन में ही है। तो ये दो वायरस, फैट और एल्कोहल, ये मेजर चंक है 90% जो लीवर को खराब करेगा, और अल्टीमेटली सारे कारण अल्टीमेटली लीवर को सिरोसिस कर देंगे। सिरोसिस मतलब कि लीवर को परमानेंटली डैमेज कर देंगे, और जब सिरोसिस हो जाएगा फिर लीवर का डाउनफॉल शुरू हो जाता है, जिसमें लीवर के सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, मतलब जैसे पीलिया होना, कैंसर का रूप लेता है। उसमें कैंसर एक सिम्टम है। कई बार हमारे पास कई मरीज सीधा लीवर कैंसर के साथ आते हैं पहली बार, जिनको कोई तकलीफ नहीं होती पहले, बट ये लीवर हेपेटाइटिस बी सी पुराना इनको खराब कर रहा होगा। इसमें पेट में पानी आना, पीलिया होना, लीवर में कैंसर होना, खून की उल्टी होना, ये सब लीवर सिरोसिस के सिम्टम होते हैं। हालांकि ये सबके साथ नहीं होता। अगर फैटी लीवर, मैं ये नहीं कह रहा सर प्लीज़, फैटी लीवर सबको नहीं होगा। अगर 100 लोगों को फैटी लीवर है 2024 में और आप कुछ नहीं करते, तो 2030 तक इसमें सिर्फ 5 से 10 लोग ही होंगे जो प्रोग्रेस करेंगे सिरोसिस में। ओके। सबके साथ ऐसा नहीं होता, बड़े फैक्टर्स होते हैं, मतलब ये बट वो भी एक नंबर बहुत ह्यूज है। नहीं, अगर हमें अर्ली स्टेज पे ही पता लग जाए प्रॉब्लम का, तो इसका ट्रीटमेंट पूरा हम ले तो वो ठीक हो जाता है, पूरा बिल्कुल ठीक हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। जिसमें हेपेटाइटिस बी सी का तो अलग ट्रीटमेंट है जी, एल्कोहल का अलग ट्रीटमेंट है उसमें, जिसमें एल्कोहल की फर्दर कंजप्शन, एल्कोहल लेने पर रोक भी लगानी है। और फैटी लीवर का मोस्टली ट्रीटमेंट, ऑफकोर्स थोड़ी नई नई दवाइयाँ अब अवेलेबल है हमारे पास जिससे फैटी लीवर ठीक होता है। फैटी लीवर का मेन ट्रीटमेंट पेशेंट के अपने हाथ में। फैटी लीवर कुछ नहीं है, फैटी लीवर एक लाइफस्टाइल डिजीज है
बिल्कुल, जो पिछले 20-30 सालों में शुरू हुई है। इससे पहले फैटी लिवर डिजीज के बारे में कोई सोचता नहीं था, लोग इग्नोर करते थे, पता ही नहीं था किसी को। बट हम लोग फैटी लिवर क्यों हो रहा है, एक एवरेज इंडियन बंदे की एवरेज डेली रिक्वायरमेंट ऑफ किलो कैलोरीज 1800 से ज्यादा नहीं है। बट एक आम पंजाबी इंसान या आम नॉर्मल मिडिल क्लास अपर क्लास इंसान 2500 से 3000 किलो कैलोरीज डेली खाता है। ये भी एक डाटा है, बन भी नहीं होती है। जरूरत 1800 की है, 2500-3000 खा रहा है, वो रोज 600-700 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा इकट्ठी हो रही है। और जो पहले बर्न होती थी 500-600 किलो कैलोरीज, लोग चलते थे, अपने काम पे चल के जाते थे, आउटडोर गेम्स खेलते थे, शॉपिंग करने चल के जाते थे, कुछ घर से सामान लेने जाते थे, घर का सफाई करते थे, सब बंद हो चुका है। वो इकट्ठी हो रही हैं, फैट जमा हो रहा है लीवर पे, वो मूव नहीं कर रहा। और जब एक काफ़ी देर तक लीवर पे ऊपर फैट चिपका रहता है और वो बर्न नहीं होता, तो वो उसके अंदर अंडरलाइंग ऑर्गन जो कि लीवर है उसको डैमेज करना शुरू कर देता है। मतलब तभी वो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप होती हैं, लाइक वो फैटी लीवर है, सिरोसिस है, देन कैंसर की स्टेज शुरू हो जाती है। ओके, आपने यहाँ पे बात करी कि पीलिया जिसे जॉन्डिस मतलब कहते हैं, तो काला पीलिया और एक नॉर्मल पीलिया में क्या फर्क है इसमें? ठीक है, जॉन्डिस जिसको कहते हैं, जॉन्डिस कब कहते हैं? जॉन्डिस सब कहते हैं जब हमारी बॉडी में अगर लेबोरेटरी में देखा जाए तो बिलरुबिन हाई हो जाता है जी, और अगर आंखों में देखें तो आंखें पीली हो जाती हैं, तो इस कंडीशन को जॉन्डिस कहते हैं। जॉन्डिस एक साइन है, क्लिनिकल साइन है कि आंखें पीली हो गई। उसके बहुत कारण हो सकते हैं। तो इसको हम अगर लीवर से जोड़ते हैं तो लीवर के ऊपर कैसे इफेक्ट करता है ये लीवर को अफेक्ट नहीं करता, ये साइन देता है कि लीवर में कोई दिक्कत आ रही है। ओके, तो जब हमारे पास कोई भी जॉन्डिस के साथ आता है तो हमें ये देखना होता है कि उसमें ऐसी कौन सी लीवर की दिक्कत है जिसकी वजह से जॉन्डिस हो रहा है। ये या तो जो हमने अभी डिस्कस किया एडवांस सिरोसिस काला पीलिया की वजह से भी हो सकता है, या फिर कई बार नॉर्मल जॉन्डिस भी हो जाता है जो कि खाने पीने की वजह से होता है। उसमें भी दो वायरस होते हैं जो लीवर को खराब करते हैं, बट वो लीवर को सिरोसिस नहीं करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो खाने पीने की वजह से होता है। उन वायरसेस को बोलते हैं हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई वायरस। ये दो वायरसेस आपके एंट्रल यानी कि फूड वाली पाइप के रूट से ट्रांसमिट होते हैं, और आप गंदा पानी पीते हैं जी, कोई गंदा खाना खा लेते हैं, उस माध्यम से ये वायरस बॉडी में आते हैं, लीवर को फीवर करके डैमेज करते हैं, जॉन्डिस होता है। बट ये मोस्टली 99% आराम से रिकवर भी कर जाते हैं कुछ हफ्तों के ट्रीटमेंट के साथ, और ये वायरसेस लंबे नहीं चलते, बॉडी में ख़त्म हो जाते हैं। क्या कभी ऐसा भी है आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, जैसे आपने कहा कि अल्कोहल लेने से इस लीवर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें मतलब इफ़ेक्ट करती हैं, बट जो बिल्कुल ही अल्कोहल नहीं ले रहा है क्या उसका भी लीवर ख़राब होता है? बिल्कुल होता है, ये अल्कोहल एक कारण है लीवर ख़राब होने का, जो कि सेकंड या थर्ड नंबर पे आता है जी। तो पहला कारण तो फैटी लीवर डिजीज ही है, मतलब वो हमारा लाइफस्टाइल है, हम लाइफस्टाइल है, मतलब जो डाइट ले रहे हैं वो क्या वो सारी चीजें जो हमारे सेंट्रल ओबेसिटी होती है, जो हमारे अंदर एक्स्ट्रा फैट का डिपॉजिट है, कोलेस्ट्रॉल है, सारा कुछ है, तो फैट सारा डिपॉजिट अगर लीवर में हो रहा है और फैटी लीवर डिजीज है, तो वो सबसे आज की डेट में नंबर वन कारण है लीवर खराब होने का। उसके बाद पंजाब की अगर बात करें तो अल्कोहल लीवर डिजीज है, जिसमें जो हमारे मरीज आते हैं कुछ लिमिटेड अमाउंट से ज्यादा अल्कोहल रेगुलरली कंज्यूम करते हैं तो उनका लीवर खराब होता है। फिर हमारा ये जो काला पीलिया होते हैं हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी वायरस। डॉक्टर साहब, जैसे कि बच्चे भी आपने बताया ही अभी कि फैटी लीवर उन्हें भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उनमें मेन रीज़न क्या है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के लाइफस्टाइल को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो उसको बोलते हैं पेडियाट्रिक नेफल्ड, पेडियाट्रिक मेटाबॉलिक एसोसिएटेड स्टियोटोटिक लीवर डिजीज। मतलब बच्चों में फैटी लीवर डिजीज एक अलग चैप्टर है जो कि अब पिछले 5-7 सालों में शुरू हुआ। मतलब ये डे बाय डे कितना ग्रोथ हो रहा है इसका? हाँ, इसका भी जो डाटा है स्कूल पॉपुलेशन में लोगों ने स्टडी करी है फैटी लीवर डिजीज की, इसमें भी कम से कम 20% बच्चे हमारे स्कूलों में हैं जिनको फैटी लीवर डिजीज 15 से कम उम्र में शुरू हो चुका है। तो ये जो अगले 15 सालों में इनके लीवर के साथ क्या होगा, ये एक चिंता का विषय है डॉक्टर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, पूरी पॉपुलेशन के लिए।
तो हम एक बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स के साथ डील करने वाले हैं अगले 10-15 सालों में, जिसमें ये बड़े होंगे और इनका लीवर फर्दर डैमेज होगा। और कारण कुछ नहीं है, कारण सबको पता है, बट उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो हम रोक कैसे सकते हैं इसको? लाइफस्टाइल, आपके आप जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं आप सब देखिए, अगर आपके घर में जो बच्चे थे वो आजकल आउटडोर एक्टिविटीज कितनी कर रहे हैं, शाम को कितनी खेलने जा रहे हैं, कितने लोग पार्क में जा रहे हैं, कितने लोग हेल्दी हैं, कितने लोग जंक फूड नहीं खा रहे हैं। आप अपने कितने बच्चों को रोक रहे हैं फ्रेंच फ्राइज खाने से, पिज्जा खाने से, बर्गर खाने से। आप देख रहे हो वो, अगर वो पतला है तो कोई बोल रहा है ये कमजोर है, वो हेल्दी है, वो पतला नहीं है। उनके दादी नानी बोल रही है ये तो कमजोर है, वो बेसिकली शायद वो कमजोर नहीं है, वो बिल्कुल फिट है। और जो हेल्दी है वो बीमार है, जो लंपी है, एक्स्ट्रा फैट है, वो कल के लिए बीमारी की तैयारी कर रहा है, मतलब नेक्स्ट फर्दर अपने शरीर में और ज्यादा प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा। हम बात कर रहे थे हेपेटाइटिस, आपने बताया ए, ई, बी एंड सी। एक वर्ड है क्रॉनिक हेपेटाइटिस, तो वो टर्म क्या है जी? क्रॉनिक हेपेटाइटिस वो वाला हेपेटाइटिस है जो कि बॉडी में अगर एक बार वायरस आ जाए तो बॉडी से क्लियर नहीं होता। तो बेसिकली चार तरह के वायरसेस होते हैं जो लीवर को खराब करते हैं, ए, बी, सी एंड ई, जिसमें हेपेटाइटिस ए और ई अक्यूट हैं। अक्यूट मतलब वो कुछ गंदे गोलगप्पे खाए, गंदा पानी पी लिया कहीं से, कोई तो उससे वायरस आया, आपको फीवर आएगा, आपकी आंखें पीली हो जाएंगी, और बट मोस्टली वो 99% 2-3 हफ्तों में रिकवर कर जाएगा जी। उसको बोलते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए एंड ई। मतलब ये इतना खतरनाक नहीं है। तो जो क्रॉनिक है वो है आपके हेपेटाइटिस बी और सी, जो कि आपके दूसरे रूट से ट्रांसमिट होंगे, खाने पीने से नहीं होंगे। जैसे कि वही इंजेक्शन लगवाना, गलत इंजेक्शन लग जाना, ड्रग अब्यूज, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, टैटूइंग, गलत नीडल यूज करनी, टैटू यूज करना, ठीक है, कहीं गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाना। तो जो ये हेपेटाइटिस बी और सी वायरस हैं ये आपकी बॉडी में परमानेंटली आके सेटल हो जाते हैं, बिल्कुल, और इनको इरेडिकेट करना बहुत मुश्किल होता है। और ये स्लोली स्लोली विद टाइम, मतलब इनको कोई जल्दी नहीं होती, ये आराम से 8-10 सालों में बॉडी में चुपचाप पड़े रहेंगे। साइलेंटली दे विल डिस्ट्रॉय योर लिवर, सो बेसिकली दे आर साइलेंट किलर्स। एक और चीज की लिवर सिरोसिस जो होता है उसके कुछ मतलब स्टेजेस भी होती हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। लीवर सिरोसिस तब यूज किया जाता है वर्ड जब हमारा लीवर हार्ड हो जाता है, जिसको बोलते हैं F4 फाइब्रोसिस। एक इस तरह से लीवर जो सॉफ्ट ऑर्गन होता है वो हार्ड हो जाता है, और वो अब सॉफ्ट होने की कैपेबिलिटी अपनी छोड़ चुका है जी। उस टर्म को लीवर सिरोसिस कहते हैं। तो ये जब आगे फर्दर लाइफ के साथ वीक होता है तो इसकी स्टेजेस होती हैं ए, बी, सी, जिसमें वक्त के साथ लीवर और वीक होना शुरू होता है। तो पहले तो आपकी प्रोटीन की बनाने की क्षमता कम होती है, धीरे धीरे बिलरुबिन बढ़ता है, तो ये स्टेज बी में चला जाता है। अगर पेट में पानी आ जाए, पैरों में सूजन हो जाए, पीलिया होने लग जाए, कैंसर हो जाए, तो ये स्टेज 3 हो जाता है। मतलब सभी के लिए, चाहे वो मेल है, फीमेल है या बच्चे हैं। हाँ जी, तो जब ये स्टेजिंग की बात आती है, लिवर सिरोसिस की बात आती है, तो मेल, फीमेल और बच्चों में फर्क नहीं चलता। तो हम उस जो भी मरीज है उसको उस विदाउट एनी एज, सेक्स और के हिसाब से हम स्टेज करते हैं कि कौन सी स्टेज पे है, और फिर अब इस पेशेंट के लिए हम क्या बेस्ट कर सकते हैं वो डिसाइड करते हैं। अगर हम बात करें कि आजकल जब हमें पता लगता है कि हमें कोई लीवर से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो लीवर ट्रांसप्लांट जो है बहुत ज़्यादा अब चलन में भी है, बहुत सारे लोग करवा भी रहे हैं, तो एक्चुअल में पूरा जो ये टर्म है लीवर ट्रांसप्लांट का, इसके बारे में आप बताओ। तो आज जब हम 2024 में लीवर के बारे में बात करते हैं जी, और लीवर ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो लीवर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसकी अवेयरनेस हर रोज़ बढ़ रही है, और हर इंसान को, मरीज़ को और जनरल पॉपुलेशन को भी पता होना चाहिए कि ये एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है एडवांस लीवर सिरोटिक पेशेंट्स के लिए। ओके, लीवर ट्रांसप्लांट हर लीवर पेशेंट की ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं है। एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं जिनका लीवर उस स्टेज पे वीक हो जाता है जब कोई भी मेडिकल हेल्प मदद नहीं करती है, पेशेंट सफर कर रहा है, लीवर ऑलमोस्ट 85% to 90% काम नहीं कर रहा है, और वो हम पेशेंट सेलेक्ट करते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन लीवर ट्रांसप्लांट बचती है, जिसको अगर हम सक्सेसफुली कंडक्ट करवा दें या कर दें
तो उसकी लाइफ स्पैन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और एक नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे आ जाता है। मतलब पंजाब की बात करें तो ऐसे कितने नंबर ऑफ केसेस हैं? लिवर ट्रांसप्लांट की बात करें तो लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम पिछले 10 सालों में इंडिया में काफी बढ़ रहा है। लिवर ट्रांसप्लांट दो तरीके से किए जाते हैं जी। एक तो होता है लाइव डोनर लिवर ट्रांसप्लांट, जिसको बोलते हैं LDLT, जिसमें आपका कोई नजदीकी संबंधी, जिस जो आपका रिलेटिव होगा, जिसका HLA मैचिंग होगा, वो आपको अपने लीवर का कुछ हिस्सा डोनेट करता है अपने रिश्तेदार को, जिससे जिसका ब्लड ग्रुप सेम होता है, जिससे जो बीमारी पेशेंट है उसको हेल्दी लीवर मिलता है, वो रीग्रो करता है। तो ये तो हो गया LDLT। एक प्रोग्राम होता है DDLT जी, डिजीज डोनर लीवर ट्रांसप्लांट, जिसमें कोई ब्रेन डेड पेशेंट है, जिसको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था जी, जो ICU में पड़ा है, जिसकी बचने की उम्मीद नहीं है, बट फिर भी अभी बाकी मेटाबॉलिज्म चल रहा है, तो कुछ जांच करके उसका लीवर परमिशन से लिया जाता है और वो एक बीमार पेशेंट को दे दिया जाता है और उसको बोलते हैं DDLT की डिजीज। दो तरीके से ट्रांसप्लांट होता है। तो ये जो नंबर्स अगर आज हम ट्रांसप्लांट की करें तो हर साल अगर इंडिया में 2,000 से 5,000 ट्रांसप्लांट हो रहे हैं तो ये बहुत कम हो रहे हैं। तो ऑर्गन की जो रिक्वायरमेंट है, जितने पेशेंट एलिजिबल हैं, एलिजिबल जब मैंने बोला कि कुछ सबसेट ऑफ लीवर के पेशेंट हैं जिसमें ट्रांसप्लांट ऑप्शन है और जिससे उनको फायदा होगा, वो नंबर ह्यूज है, इट्स इन लैक्स। तो अभी हम उस नंबर के हिसाब से 1% को भी ट्रांसप्लांट नहीं कर रहे हैं। मतलब लोगों में नॉलेज की कमी है, नॉलेज की कमी थी पहले, तो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी कम थी, इसकी बिल्कुल सेपरेट ट्रेनिंग होती है, बट विद टाइम अब ट्रांसप्लांट प्रोग्राम्स आ रहे हैं, बहुत सारे सेंटर्स ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। पहले नॉर्थ इंडिया में सिर्फ 2-3 सेंटर्स ट्रांसप्लांट करते थे, आज के डेट में कम से कम, अगर मैं ऐसा रफ एस्टिमेट भी लगाऊं, तो 30-40 सेंटर्स नॉर्थ इंडिया में होंगे जो लीवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम चला रहे हैं। कब एक पेशेंट को कहा जाता है कि लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है? मोस्ट लाइकली पेशेंट दो तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं जिनको लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। एक तो जैसे आपके एडवांस लीवर सिरोसिस पेशेंट, जिनकी थर्ड स्टेज पे लीवर सिरोसिस हो गया है, जिनको पानी पेट में आ गया है, जिनका पीलिया बढ़ता जा रहा है, जिनको बार बार बेहोशी हो रही है, तो एक तो ये पेशेंट्स हैं जिनको नए लीवर की जरूरत है ताकि वो अपनी लंबी जिंदगी जी सकें कम तकलीफों के साथ। नंबर दो वो पेशेंट है जिनको लीवर में कैंसर हो गया है और वो स्टेज पे हैं जिसमें लीवर ट्रांसप्लांट हो सकता है और लीवर से बाहर कैंसर नहीं फैला है। इसमें भी बेस्ट ऑप्शन जो होती है वो लीवर ट्रांसप्लांट की होती है। मतलब कैंसर की कौन सी स्टेज पे आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो? ठीक है, इसमें कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं होता, इसमें कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि साइज कितना है कैंसर का, वो लीवर से बाहर तो नहीं फैला हुआ, लीवर से बाहर किसी नस में तो नहीं गया हुआ, बाकी फंक्शन। कैंसर पेशेंट के लिए जिन्हें लीवर कैंसर है उनके लिए एक ऑप्शन रहता है? बिल्कुल, अगर सही टाइम पे पेशेंट प्रेजेंट करता है और लीवर कैंसर लीवर के अंदर ही सीमित है और कुछ साइज की हमारी कैटेगराइजेशन होती है, कुछ और चीजें देखी जाती हैं कि बाकी हार्ट किडनी सब ठीक है, तो लिवर ट्रांसप्लांट उनके लिए बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल प्रोसीजर होता है। अगर हम इसमें पूरी डाइट की बात करें, एक लिवर ट्रांसप्लांट होने के बाद पेशेंट को किन चीजों का ध्यान फर्दर रखने की जरूरत है? तो लिवर ट्रांसप्लांट अगर प्रैक्टिकली मैं बोलूँ तो लिवर ट्रांसप्लांट एक इज अ डिजीज गिवन टू द पेशेंट, अनदर डिजीज टू प्रिवेंट अ बैड डिजीज। लीवर ट्रांसप्लांट पूरा क्योर नहीं है, क्योंकि पेशेंट को उसके बाद भी जिंदगी भर कुछ ना कुछ मेडिसिन की हेल्प लेनी है, कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं और किस चीजों से जूझना है, बट अगर वो नहीं कराते तो जो उससे बिना जो बीमारी थी वो बहुत ही ज्यादा वर्स थी। तो उसके बाद पेशेंट्स को अपना नया लीवर का पूरा ध्यान रखना है, डाइट फिर से उसको फैटी लीवर होने से प्रिवेंट करना है, उन्होंने हाई प्रोटीन हाई फाइबर लो फैट लो कार्बोहाइड्रेट डाइट खानी है। ये तो आफ्टर ट्रांसप्लांट है, बट एक जो नॉर्मल पीपल है एकदम हेल्दी है, वो चाहते हैं कि मेरा लीवर एकदम हेल्दी ही रहे, वो उसको क्या अपना लाइफस्टाइल में चेंजेस? जिसको लगता है कि वो ओवरवेट नहीं है, उसका BMI बॉडी मास इंडेक्स 25 के नीचे है जी, तो अगर वो 30 क्रॉस करता है तो उनको बेसिक कभी ना कभी एक बार टेस्ट कराने चाहिए हर बंदे को, प्रिवेंशन ही अगर वो करा सकते हैं प्रिवेंशन के लिए, जिसमें एक सिंपल सा अल्ट्रासाउंड ये देखने के लिए कि लीवर आपका फैटी तो नहीं है, फिर एक लीवर फंक्शन टेस्ट ये देखने के लिए कि आपके LFT ठीक है जी, कोई SGOT SGPT बड़ा तो नहीं हुआ है, और
दो टेस्ट और जो कि काला पीला के होते हैं, हेपेटाइटिस बी और सी जी। तो ये कभी आपको मिडिल एज में आके 30-40 ईयर्स के अराउंड जरूर करा लेने चाहिए टू प्रिवेंट जस्ट अ स्क्रीनिंग टेस्ट, क्योंकि इनके कोई साइंस नहीं होते। और अगर आप ओवरवेट हैं, आपको लीवर फैटी आ रहा है, तो आपको सबसे पहले तो अपने स्पेशलिस्ट को मिलना है, बिल्कुल आपको अपने फिजिशियन को मिलना है। आपको ये देखना है कि आपका फैटी लीवर कौन सी स्टेज पे है। उसको देखने के लिए कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज आई हैं, हमने फाइब्रोस्कैन का जिक्र नहीं किया जी। फाइब्रोस्कैन एक मशीन है जो लीवर की इलास्टोग्राफी समझती है, एक अल्ट्रासाउंड की तरह मशीन होती है जो लीवर को चेक करती है, यहाँ पे प्रोब रख के राइट साइड पे, जिससे हमें ये पता चलता है कि लीवर के अंदर जो हार्डनेस है वो कितनी है। तो ये डॉक्टर ही सजेस्ट करता है पेशेंट को कि ये जो आप फाइब्रोस्कैन की बात कर रहे हो कि ये करवाना है। यस, तो बिल्कुल डॉक्टर ही डिसाइड करेगा कि कौन से पेशेंट्स को फाइब्रोस्कैन की जरूरत है और किस पेशेंट को फाइब्रोस्कैन की या लीवर को समझने की जरूरत है कि नहीं है। हालांकि क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, बीमारी का नंबर इतना ज्यादा है, तो आजकल बहुत सारे एनजीओस जो पैरामेडिकल्स और जो मेडिकल एजेंसी उसके साथ फार्मा कंपनीज काम करती हैं, तो ये कम्युनिटी कैंप्स लगाती हैं लीवर स्क्रीनिंग के लिए, जिसमें ये LFT करते हैं, फाइब्रोस्कैन करते हैं, ताकि हम उस पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को हम पहले आइडेंटिफाई कर सकें कि ये वो सब ग्रुप है जो आगे जाके लीवर को, लीवर के खराब होने के चांसेस हैं और उनको जल्दी प्रिवेंट करें। डॉक्टर साहब, जैसे कि लीवर डे है 19 अप्रैल को, तो हर साल कोई ना कोई थीम होती है लीवर को लेके, तो वो थीम जो है उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को अवेयर करें कि तो इस बार की क्या है। हर साल 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे बनाया जाता है, ताकि हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारे जो जनरल पॉपुलेशन है, स्कूल्स में, एडल्ट्स में, हर जगह पता चले कि लीवर की इम्पोर्टेंस क्या है। और हर साल वर्ल्ड लीवर डे की जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक थीम देती है। इस साल की थीम है बी विजिलेंट, गेट रेगुलर लीवर चेकअप्स एंड प्रिवेंट फैटी लीवर डिजीज। तो इस साल की थीम ही सारी फैटी लीवर डिजीज पे है, क्योंकि इतना ज्यादा नंबर है। तो जब मैं 30% बोल के जा रहा हूँ 140 करोड़ पॉपुलेशन में, तो आप समझ लीजिए कि एक कॉन्टिनेंट जितनी पॉपुलेशन को हमारे देश में ही फैटी लीवर काफी, है। काफी मतलब तो हम ह्यूज नंबर है, एक पेंडेमिक ऑफ फैटी लीवर डिजीज के पेशेंट्स के साथ जूझेंगे। और क्यों, और जो हम उनकी प्रिवेंशन करना चाहते हैं वो आज के लिए नहीं है, आज इन मरीजों को कोई दिक्कत नहीं है इनमें से, बट ये 2030-2035 में से, इनमें से बहुत सारे लोग हमारे साथ बहुत बीमार हो जाएंगे, तो इनको हमको पहले ही ठीक रखना है। इनकी हम प्रिकॉशन की बात करें तो क्या आप टिप्स देना चाहेंगे? प्रिकॉशन फैटी लीवर डिजीज की बिल्कुल वही है जो कि एक शुगर के मरीज की है, एक BP के मरीज की है, एक हार्ट के मरीज की है, कि आपको हेल्दी रहना है, आपको अपना बॉडी वेट अपनी हाइट के हिसाब से ठीक रखना है, जिसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, जो कि इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से 25 से नीचे होना चाहिए। आप अपने मोबाइल पे, सबके पास मोबाइल है, बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट कीजिए, अपना वजन डालिए उसमें, अपनी हाइट डालिए। अगर आपका ज़्यादा वजन आ रहा है तो आपको एक्सरसाइज बढ़ानी है, आप सुबह हर हफ्ते जो मिनिमम क्राइटेरिया है 30 मिनट्स फॉर 5 डेज, मतलब 150 मिनट की एक्सरसाइज जिसमें कुछ थकावट हो, आपको आपको पसीना निकले, इतनी जरूर सबको करनी चाहिए। जब आप डाइट लेते हैं तो आपको इक्वल प्रोपोर्शन रखना है प्रोटीन्स का, फैट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, बट हमारी जो डाइट है इंडियन डाइट, इसमें प्रोटीन्स बहुत कम रह जाते हैं। सुबह सुबह हम लोग पराठे रहते हैं, पराठे खा रहे हैं, तो उसको, उसी डाइट को कैसे मॉडिफाई करना है, उस कैलोरीज को कैसे बर्न करना है। अगर हमने कोई चीज खानी है तो डीप फ्राई मत करें। अब हम मोमोज को भी फ्राई करके खाते हैं, बिल्कुल, जिसका कोई मतलब ही नहीं था। तो हमारे बॉइल चले थे, अब तो हम वही मिल रहे हैं, हर चीज में। तो प्रोटीन खाएं। अगर नॉनवेज खाना है तो पंजाबियों ने क्या किया कि जो चिकन के पीस थे उनमें ग्रेवी, बटर चिकन बना दिया, उसको अनहेल्दी कर दिया। हाँ, बिल्कुल। अगर एग खाना है तो, अगर हम एग की बात करें तो लीवर के लिए एग वाइट बहुत अच्छा है जी, बट एग येलो अवॉइड कर सकते हैं। मतलब ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जो लीवर को हेल्दी रख सकते हैं? फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, कोई भी चीज जिसमें फाइबर है जी और प्रोटीन ज्यादा है, वो आपके लीवर के लिए रिलैक्सिंग है। तो फ्रूट्स में तो फाइबर और मिनरल्स ही हैं, तो कोई भी फ्रूट आपके लीवर के लिए अच्छा है। और कोई भी चीज जिसमें प्रोटीन है, हाई प्रोटीन डाइट,
तो प्रोटीन वेजिटेरियन डाइट्स में कम होती है, उसमें आपके पास पल्सीज आ जाएंगी, आपके पास कर्ड आ जाएगी, आपके पास थोड़ा सा पनीर आ जाएगा, आपके पास सोया न्यूट्री चने जी। ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लें वेजिटेरियंस। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन, तो अगर जब आप नॉन वेज खाते हैं तो आपको उसको चूज़ करके खाना है, तो आपको यू कैन टेक द पीस, आप उसको ग्रिल करके या तंदूरी करके खा सकते हैं। बट जो ग्रेवीज, हम मसाले वाली ग्रेवीज बना लेते हैं या उसको डीप फ्राई कर लेते हैं किसी चीज़ को, उस टाइम पे वो बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी हो जाता है और बॉडी को, लीवर को, क्या वो आपके हार्ट को भी डैमेज कर रहा है। बिल्कुल। तो ये जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, ये सिर्फ आपके लीवर के लिए नहीं है, ये आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपकी डायबिटीज को भी बचा रहे हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक कर रहे हैं, आपके बीपी को भी ठीक कर रहे हैं, और आपके हार्ट और ब्रेन स्ट्रोक्स को भी प्रिवेंट कर रहे हैं। जैसे कि हम कह देते हैं कि हमारा हार्ट फेलर हो गया, तो क्या लीवर भी ऐसे फेलर हो जाता है? लीवर फेलियर हो जाता है, उसके अलग अलग कारण होते हैं। कई बार अक्यूट लीवर फेलियर होता है, जैसे मैंने बताया आपको हेपेटाइटिस ए और ई की वजह से। बिल्कुल। हालांकि उसके नंबर्स बहुत कम है, बट एक वो कंडीशन होती है। ऐसे जब हम अल्कोहलिक्स को बताते हैं, इनमें भी अक्यूट और क्रॉनिक लीवर फेलियर हो जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा अल्कोहल लेने से सडनली लीवर खराब हो जाता है। हेपेटाइटिस बी और सी के पेशेंट भी धीरे धीरे जब ऊपर से कोई इन्फेक्शन हो जाए, निमोनिया हो जाए, तो उनको भी लीवर फेलियर हो जाता है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में आप बताइएगा कि लीवर का कमजोर होना, लीवर सिरोसिस होना और लीवर कैंसर होना, तीनों में क्या अंतर है? तो लीवर का कमजोर होना एक जेनरिक टर्म है जी। अगर मैं मेडिकली बोलूँ तो मैं उसको ये मानूंगा कि लीवर फैटी है या लीवर को काला पीलिया हो गया, बट अभी लीवर उस स्टेज पे है जिसपे वो रिकवर हो जाएगा जी। जिसको अगर हम उस टाइमली इंटरवीन करें, फैटी लीवर की दवाइयां लें, अपनी लाइफस्टाइल ठीक करें, काले पीले की दवाइयां लें, तो ये लीवर कमजोर है बट हेल्दी हो सकता है। लीवर सिरोसिस वो वाली टर्म है जब लीवर परमानेंट डैमेज हो गया है, अब लीवर की कोई चांसेस नहीं है कि वो नॉर्मल शेप और अपनी स्ट्रेंथ वापस ले ले, आपको कुछ ना कुछ हेल्प लेके लीवर सिरोसिस के साथ ही जीना पड़ेगा। लीवर कैंसर होता है जब एक हिस्से में लीवर के कुछ ऐसे सेल बनने लग जाते हैं जो लीवर को कैंसरस हो जाते हैं, तो वो एक अलग कंडीशन है जो कि ज़रूरी ज़्यादातर लीवर सिरोसिस के बाद ही पाई जाती है। तो लीवर का कुछ हिस्सा कैंसरस हो जाता है और ये कैंसर की तरह जैसे किसी और बॉडी में कैंसर है उस तरह से एक्ट करता है और धीरे धीरे फैलता है, पहले लीवर में फैलता है, फिर लीवर के बाद नसों में फैलता है और पूरी बॉडी में फैलता है जी, जो कि अच्छी कंडीशन नहीं है। एक और बहुत अच्छी बात मेरे माइंड में आ रही है कि जैसे हम लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स और हमारे जैसे आम जो लोग हैं वो डर जाते हैं कि ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, इसमें सर्जरी होगी, तो वो पूरा प्रोसेस क्या रहता है? देखो, जब हम लीवर ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो ये कोई आम छोटा डिसीजन नहीं है, ये एक डिसीजन, बहुत ही मेजर डिसीजन है एक पर्टिकुलर इंसान की ज़िंदगी बचाने के लिए जी। और ये कोई छोटा डिसीजन नहीं है आज की डेट में। इसमें पहले तो सोशल इम्प्लिकेशंस, अवेलेबिलिटी ऑफ डोनर, कि आपके घर में कोई ऐसा इंसान तैयार होना चाहिए जिसका ब्लड ग्रुप सेम है और वो अपना ऑपरेशन करा के अपने किसी भी नज़दीकी रिलेटिव को बचाना चाहता है, उतना लीवर देके। ओके। हालांकि अभी भी इंडिया में फैमिली बॉन्डिंग अच्छी है, तो एक तो वो हर्डल है, उसके बाद फाइनेंशियल हर्डल है कि इट्स अ कॉस्टली प्रोसेस। गवर्नमेंट सेंटर्स पे इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है लीवर ट्रांसप्लांट जी, तो मोस्टली 80% ट्रांसप्लांट प्राइवेट सेटअप्स में ही होते हैं, तो इट्स अ कॉस्टली अफेयर। और नंबर थ्री है कि पोस्ट ट्रांसप्लांट भी कुछ मेडिसिन चलती हैं जो कि कॉस्टली होती हैं और लाइफ लॉन्ग चलती हैं, तो काफ़ी हर्डल्स हैं। फिर तो एक फैमिली डिसीजन होता है, डॉक्टर्स के साथ बैठना पड़ता है, अलग काउंसलिंग टीम होती हैं, फिर एक डिसीजन लिया जाता है, फिर ये देखना होता है कि पेशेंट एलिजिबल है, उसका कितना सक्सेस रेट होगा, सारा कुछ देखते हुए एक डिसीजन लिया जाता है कि हाँ ये ट्रांसप्लांट कराना है और वो पेशेंट को हमने ट्रांसप्लांट। मतलब मेरा पूछने का ये था कि लोग डरते हैं ट्रांसप्लांट के नाम से, तो वो उस डर को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? लीवर ट्रांसप्लांट आज की डेट में, जब आज से 25-30 साल पहले प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था इंडिया में, जब कुछ ही डॉक्टर्स करते थे, तो सक्सेस रेट कुछ 40-50% ही था जी। तो आज की डेट में जो अच्छी टीम्स हमारे हायर सेंटर्स में ट्रांसप्लांट कर रही हैं, लीवर ट्रांसप्लांट की बात कर रहा हूँ मैं, हर एक ट्रांसप्लांट का अपना अपना सक्सेस रेट होता है, तो वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि ऑलमोस्ट 95-97% सक्सेस रेट वो दे रहे हैं आफ्टर ट्रांसप्लांट, अगले 3-5 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी के लिए पेशेंट्स की। तो जैसे जैसे नंबर्स बढ़ रहे हैं, हमारे सर्जन एक्सपीरियंस्ड हो रहे हैं और ट्रांसप्लांट सक्सेस रेट बढ़ रहा है, लोग हमारे पास जलंधर में भी हैं, मेरे भी पेशेंट्स हैं, और भी लीवर के डॉक्टरों के पेशेंट होंगे, और भी फिजिशियंस के पेशेंट्स हैं जो कि एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं,
कुछ रेसलर्स वापस रेसलिंग खेल रहे हैं, बिल्कुल, अगर वो ट्रांसप्लांट नहीं कराते तो आज उस दुनिया में नहीं होते, तो वो आज अपनी रेसलिंग भी कर रहे हैं। तो सही टाइम पे सही पेशेंट को सही गाइडेंस से सही ट्रांसप्लांट कराया जाए तो ये एक पूरा एक लाइफ को बहुत ही नया रूप दे देती है। अगर हम स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें तो कितने चांसेस होते हैं उनके लीवर डैमेज होने के? देखो, जब स्पोर्ट्स पर्सन की बात करते हैं तो उनको फैटी लीवर होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि वो हेल्दी होते हैं, उनको अपनी डाइट का ध्यान रखना आता है और वो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और अपनी कैलोरीज बर्न करते हैं, तो उनमें बेसिकली जो लीवर खराब होने के कारण होते हैं वो डिफरेंट होते हैं जी। अगर वो कई बार कुछ गलत स्टेरॉइड्स वगैरह या कुछ दवाइयाँ ले लेते हैं उससे भी लीवर खराब होता है, कई बार कुछ आप अन अप्रूव्ड मेडिसन्स जिसमें कोई लेड टॉक्सिन्स हो उससे भी लीवर खराब हो सकता है, तो एक तो वो चांस होता है, दूसरा काला पीलिया के चांसेस भी हो सकते हैं उनको, तो उनमें यूजली फैटी लीवर के चांसेस कम होते हैं बट और बीमारियों के चांसेस हो सकते हैं। हमारे दर्शकों के लिए आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? वर्ल्ड लीवर डे पे मैं, जिसकी थीम प्रिवेंट फैटी लीवर डिजीज ही है, मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगा कि आज अपने सारे घर में फैमिली मेम्बर्स की तरफ एक बार देखें, आप देखें कोई ओवरवेट ओबीस तो नहीं है जी, जिसका बीएमआई ज़्यादा तो नहीं है, अगर हो सके तो छोटे मोटे जांच, लीवर फंक्शन टेस्ट, हेपेटाइटिस बी सी, अल्ट्रासाउंड कभी ना कभी 10 सालों में एक बार ज़रूर करा लें, समझने के लिए कि ये चीज़ें बॉडी में चल तो नहीं रही। और आपको अगर ऑलरेडी पता है कि आपके घर में किसी को फैटी लीवर डिजीज़ है तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, उनको हेल्दी लाइफस्टाइल एक्सरसाइज करने के लिए प्रमोट करें, उनको इनक्रेज करें कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल लें, जिए, एक्सरसाइज करें, अपनी डाइट का ध्यान रखें, अगर हो सके तो कि थोड़ा सा वक्त लेके अपने फिजिशियन लीवर स्पेशलिस्ट से जस्ट पूछ लें कि ये फैटी लीवर डिजीज़ कौन सी स्टेज पे है और इसके लिए क्या प्रिवेंशन करनी है और आगे इसका ध्यान कैसे रखना है। डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए और लीवर से जुड़ी इतनी सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर वरुण गुप्ता जी, और जिन्होंने लीवर से जुड़ी बहुत सारी बीमारियों के बारे में बताया है। अगर आपको भी लीवर से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और अपना चेकअप भी ज़रूर कराएं। इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रह सकते हैं तंदुरुस्त है नमः के साथ। नमस्कार।